खुलेआम हथियार लहराता हुआ यह वीडियो अफगानिस्तान या पाकिस्तान का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का है। नौवर्ष की पार्टी में इस तरह खुलेआम हथियार लहराता हुआ यह जश्न दरअसल इसलिए भी कुछ ज्यादा चर्चा में आ गया कि इस जश्न में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के बेटे कान्हा राय भी मौजूद थे। फिर डर क्यों होना हो, जब पिताजी विधायक हो तो डर किस बात का। शायद यही वजह थी कि कान्हा राय और उनके साथियों के इस प्रोग्राम में खुलेआम हथियार लहराए गए। इस तरह हथियारों को लहराने पर लोगों ने आपत्ति दर्ज की, बवाल उठा, जिसके बाद अब दिनेश राय मुनमुन सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे बेटे की अगर गलती है तो कार्रवाई की जाए। पूरे मामले में सामने आने के बाद अब कांग्रेस भी विधायक पुत्र कान्हा राय पर कार्रवाई की मांग कर रही है। ये वीडियो वायरल हुआ और न्यूज़पेपर में भी छपा, विधायक जी के द्वारा एक बाइट भी दी गई कि वो मेरा पुत्र है कान्हा, न्यूज चैनलों में भी चला। जिस ढंग का ये भोंडा प्रदर्शन विधायक सिवनी मुनमुन राय के पुत्र कर रहे हैं, आतंकित करने का प्रयास कर रहे हैं इस जिले को, इस सिवनी विधानसभा को। कानून ये कहता है कि जिसके नाम पर शस्त्र है वही उसको रखेगा। मेरी व्यक्तिगत जानकारी ये है कि विधायक मुनमुन राय के किसी पुत्र के नाम पर कोई वैध शस्त्र लाइसेंस नहीं है और वो वीडियो में इस ढंग से शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो और उनके साथी, जो आपत्तिजनक है, अवैध है और कानून की दृष्टि में अपराध है। तो हम इसी बात को लेकर के कि ऐसी आपराधिक गतिविधियाँ रोकें, माननीय एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि उसकी सूक्ष्मता से जांच करें। हमने उनको पेन ड्राइव में वो वीडियो भी दिया हुआ है, तो सूक्ष्मता से इसकी जांच करें और यदि दोषी हैं तो निश्चित तौर पर जो आयुध अधिनियम की तरह कार्रवाई होती है ऐसी कार्रवाई उनको करना चाहिए। हमें यहाँ यह भी शंका है कि चूंकि वो सत्ताधारी दल के विधायक हैं इसलिए हो सकता है कि पुलिस उस मामले को लीपापोती भी करे, लेकिन अगर पुलिस लीपापोती करेगी तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। हम ऐसी गतिविधियों इस शहर में, इस विधानसभा में और इस जिले में नहीं होने देंगे। ये कोई यूपी बिहार नहीं है, ये सज्जन लोगों का शहर है, यहाँ बड़े सीधे और सरल लोग रहते हैं, मूल रूप से आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे कृत्य कहीं भी किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं है इस जिले को। पंकज, ये करीब 21 तारीख का वीडियो है, आज लगभग 20-25 दिन हो गए, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं लगता है, कार्रवाई होगी या किस तरीके से? हम यही इंतजार कर रहे थे कि शायद जिला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में ये आए, क्योंकि उनके पास सारे सोर्स होते हैं, आई भी रहती है, इंटेलिजेंस उनके पास है, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि मुझे नहीं लगता कि पुलिस कोई कार्रवाई इसमें करेगी। मैं निष्पक्षता से और डंके की चोट पर इस एसपी अफेक सामने भी खड़े होकर बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सिवनी के एसपी इस पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे, लेकिन मैं कानून जानता हूँ, कानून पर विश्वास रखता हूँ, इसलिए हम इसी विश्वास के साथ आला अधिकारियों के पास आए हैं कि इसके बाद भी वो चेतें और संज्ञान लें और अपराध दर्ज करें।